हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को हानिकारक कीटों के बारे में बताएंगे, अर्थात हार्मफुल इंसेक्ट्स के बारे में बताएंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि कीटों के आर्थिक महत्व के अंतर्गत लाभदायक और हानिकारक दो प्रकार के कीट मैंने बताए थे। मैंने पिछले 3 वीडियो में लाभदायक कीट हनी बी और उसका जीवन चक्र तथा उसका आर्थिक महत्व, और रेशम का कीट उसका जीवन चक्र, और इसी प्रकार से 3रे वीडियो में लाख के कीट के बारे में बताया है। यानी ये सभी लाभदायक कीट थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया। यदि आप सभी को इन वीडियोज़ को देखना है या इन वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में अपलोडेड है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब आज के वीडियो में हम हानिकारक कीटों के बारे में बताएंगे, तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो देखिए। और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए आपको हानिकारक कीटों के बारे में बता देते हैं। तो आप सभी लोगों ने अनाज में घुन, सब्जियों में गिडार या कैटरपिलर, घरों में मक्खी मच्छर, खेतों और बाग बगीचों में टिड्डियाँ आदि को देखा होगा। ये सभी कीट हानि पहुंचाते हैं। ये सभी कीट हमें बहुत बड़ी और अलग अलग प्रकार से हानियां पहुंचाते हैं। इसीलिए हानिकारक कीटों को 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है। पहला, कृषि के लिए हानिकारक कीट या इंसेक्ट्स हार्मफुल ऑफ एग्रीकल्चर। इसी तरह से दूसरा, मनुष्य तथा पालतू पशुओं के लिए हानिकारक कीट, इंसेक्ट्स हार्मफुल ऑफ मैन एंड डोमेस्टिक एनिमल्स। और तीसरा है, संग्रहित खाद्य पदार्थों तथा अन्य उपयोगी वस्तुओं के लिए विनाशकारी कीट। तो इन तीनों को एक एक करके हम समझा देते हैं, जिसमें से पहला है कृषि के लिए हानिकारक कीट या इंसेक्ट्स हार्मफुल ऑफ एग्रीकल्चर। तो मनुष्य भोजन के लिए कृषि द्वारा भूमि से अनाज, फल, सब्जी आदि पैदा करता है। यानी मनुष्य अपने भोजन के लिए अपने खेतों में, अपनी भूमि पर, घरों में अनाज, फल, सब्जी आदि उगाता है। लेकिन कोई फसल ऐसी नहीं होती जिससे अनेक प्रकार के कीट अपना भोजन न प्राप्त करते हों। मतलब ये हुआ कि उगने पर वह कीट से ग्रसित हो जाती है। यानी जो भी फसल हम उगाते हैं, उगने के बाद क्या होता है, वह फसल कीट से ग्रसित हो जाती है। या कहा जाए तो कोई भी फसल ऐसी नहीं होती है जिसमें कीट अपना भोजन ना लेते हों। तो पेड़ पौधों की जड़ों, तनों, पत्तियों, कलियों, फूलों, बीजों आदि सभी पर विभिन्न प्रकार के कीट आक्रमण करते रहते हैं। यानी ये हमारे पेड़ पौधों की जड़ों पर आक्रमण करते हैं, तनों को खराब कर देते हैं, पत्तियों, कलियों और फूलों को नुकसान पहुंचाते हैं, यहाँ तक बीजों पर भी आक्रमण कर देते हैं, उसे भी खराब कर देते हैं, उसे भी खा जाते हैं। जिससे होता क्या है कि हमारी फसल का अधिकांश भाग नष्ट हो जाता है। यानी हमारी फसल अधिकांश खराब हो जाती है, नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो कृषि के लिए हानिकारक कीटों को कुल 5 भागों में बांटा गया है। पहला, पौधों को कुतरने वाले कीट। दूसरा, पौधों का रस चूसने वाले कीट। तीसरा, पौधों में धंसकर उन्हें खोखला बनाने वाले कीट। और अगला, पौधों में अंडा रोपण करने वाले एवं घोंसला बनाने वाले कीट। और लास्ट है, पौधों की बीमारियों को फैलाने वाले कीट। तो कुल मिलाकर के कृषि के लिए हानिकारक कीटों को 5 भागों में बांटा, जिसमें से पहला है पौधों को कुतरने वाले कीट। तो अनेक कीट जो होते हैं पौधों के अनेक भागों को कुतर कुतर कर खाते हैं। यानी जैसे अनेक कीट पौधों के भागों को जिस प्रकार से गाय बकरी चबा चबा कर खाती है, वैसे ही कुतर कुतर करके कीट भी जो होते हैं वो पौधों के अनेक भागों को खा जाते हैं। जैसे आपने टिड्डी देखा होगा, जो टिड्डी होती है हम सभी लोग जानते हैं कि पूरे पूरे खेतों की फसल को खाकर चट कर देती है। यानी इनके जो दल होते हैं, ये दलों में बहुत संख्या में होते हैं, एक एक दल में करोड़ों टिड्डियाँ पाई जाती हैं। लोगों ने यहाँ तक कि 300 मील लंबे तक, 100 मील चौड़े तक टिड्डियों के दल को देखा है। जहाँ से ये जहाँ पर उतर जाते हैं, मीलों तक खेतों में पौधों का नामो निशान नहीं रहता है। इस प्रकार से फसलों को हानि पहुँचाते हैं जो टिड्डियाँ होती हैं। खरीफ की फसलों, मुख्यतः चावल की पत्तियों एवं कोमल दानों को खाने वाली हरी टिड्डियाँ जो होती हैं खेतों में पाई जाती हैं, और ये सब फसल को चट कर जाती हैं। इस प्रकार से टिड्डियाँ जो होती हैं ये फसल को कुतर कर खा लेती हैं, फसल को नुकसान पहुँचाती हैं। और इसी प्रकार से आलू
की जो कटवी हो या आलू की कटवी को कजरा पिल्लू भी कहा जाता है, या जो कीट होता है यह मटमैला पतंगा होता है या मटमैला मोथ होता है या कह लीजिए कि मटमैला कीट होता है, जो रबी की फसलों में लगता है यानी रबी की फसलों के पौधों के जो तने होते हैं भूमि के पास से उनको चबा कर नष्ट कर देता है, जो पौधे के तने होते हैं उसको काट देता है, चबा कर खा जाता है। रबी की फसल अगर कहा जाए तो चना, गोभी, तंबाकू, मूंगफली, गेहूं, मटर, आलू। बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से रबी की फसल है, चार ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें कोई एक रबी की फसल होती है उसमें आपको बताना होता है। तो चना, गोभी, तंबाकू, मूंगफली, गेहूं, मटर, आलू आदि रबी की फसलें होती हैं, जबकि खरीफ की फसल में धान प्रमुख रूप से आता है, रबी की फसल में गेहूं प्रमुख रूप से आता है। तो इस प्रकार से जो आलू की कटवी होती है, जो कजरा पिल्लू होता है, ये मटमैला सा होता है और फसलों के पौधों के तने जो होते हैं उनको चबाकर नष्ट कर देता है। फिर दूसरा है लाल कद्दू बीटल। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, लाल कद्दू बीटल का यह चित्र है, यानी रेड पम्पकिन बीटल है ये। तो यह तरबूज, सीताफल, कद्दू, ककड़ी, तुरई, लौकी, खीरा, टिंडा आदि पौधों को खाकर नष्ट कर देता है, चाहे वो सीताफल हो, कद्दू हो, ककड़ी हो, तुरई हो, लौकी हो, आदि सभी पौधों को खाकर यह कीड़ा नष्ट कर देता है। इस प्रकार से ये जो मैंने बताई ये पौधों को कुतरने वाले कीट थे। अब दूसरा भाग है पौधों का रस चूसने वाले कीट। तो अनेक प्रकार के कीट जो होते हैं उनके सुंड पाई जाती है, मुख उपांग होते हैं, कोमल पौधों में चुभोकर उसे से रस चूसते हैं और इससे पौधे सूख कर समाप्त हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो इनमें से कपास का झींगा जो होता है, तो कपास का झींगा खटमल जैसा एक लाल कीट होता है, यानी खटमल जैसा दिखता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कपास के झींगे को, ये बिल्कुल खटमल के जैसा दिखता है और कपास के पौधों की पत्तियों एवं बीजों का रस चूसता है। कपास के पौधे जो होते हैं उनकी पत्तियों का रस चूस लेता है, उसके बीजों का रस चूस लेता है, जिससे कपास में धब्बे पड़ जाते हैं। यह तंबाकू, भिंडी, शकरकंद आदि के कच्चे बीजों का भी रस चूसता है, यानी तंबाकू के, भिंडी के, शकरकंद के आदि के कच्चे बीजों का भी रस चूस लेता है, जिससे बीज उत्पन्न ही नहीं हो पाते हैं। फिर अगला है पौधों का रस चूसने वाला कीट, गन्ना पर्ण फुदकी या पायरिला बोला जाता है इसे, गन्ना पर्ण फुदकी या पायरिला। तो यह एक छोटा सा पतंगा होता है या छोटा सा मोथ होता है जो गन्ने की पत्तियों एवं तने का रस चूसता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं यही है गन्ना पर्ण फुदकी या पायरिला। तो यह छोटा सा पतंगा होता है, छोटा सा कीट होता है, यह गन्ने की पत्तियों एवं तने के रस को चूसता है। इसकी गिडार गन्ने में जगह जगह सुराग बना देती है, यानी जो इसका कैटरपिलर होता है वो गन्ने में जगह जगह पर सुराग कर देता है, उसी गन्ने के तने में जगह जगह पर छेद कर देता है, इससे गन्ने की वृद्धि रुक जाती है, यानी गन्ना जो होता है वो ऊपर की ओर नहीं बढ़ता है, वो वृद्धि में रुक जाता है और सूख सा जाता है, बिल्कुल सूखा हुआ हो जाता है या ख़राब हो जाता है। फिर अगला कीट है गन्ने की लाही, ये भी पौधे का रस चूसने वाला कीट होता है। तो यह एक प्रकार की मक्खी होती है जो गन्ने का रस चूसती है, जो गन्ने की लाही है, तो ये एक प्रकार की मक्खी है जो पौधे के गन्ने का रस चूसती है। फिर चावल की गंधी, तो यह खटमल जैसा बग होता है, खटमल जैसा कीट होता है चावल की गंधी, जो धान की बालियों के कच्चे बीजों का रस चूसकर उन्हें नष्ट कर देती है, गंधी कीट होता है, आपने सुना होगा। फिर अगला है गोभी का चैंपा, यह गोभी, सरसों आदि के तनों एवं फलों का रस चूसते हैं, जो कीट होते हैं गोभी का चैंपा वाले, ये गोभी है, सरसों है आदि के तनों एवं फलों का रस चूस लेते हैं। ऐसा ही चैंपा सरसों, मूली आदि के पौधों पर भी पाया जाता है, यानी इन पौधों पर भी पाया जाता है और उसके फलों एवं तनों का रस चूसता है। फिर काला सुंडर, काला सुंडर में क्या होता है, यह धब्बेदार काला सा बग होता है, सलजम, मूली, गाजर, गोभी आदि की पत्तियों और टहनियों का रस चूसकर उन्हें सुखा देता है। इसी प्रकार से आम का तेला या लासी जो होता है, यह बग आम की कोमल टहनियों और कलियों का रस चूसता है, यानी कोमल कोमल जो टहनियां होती हैं, जो मुलायम सी टहनियां होती हैं उनका रस चूस लेता है, और जो कलियां बनती हैं कली का भी रस चूस लेता है, इससे आम की बौर नष्ट हो जाती है। तो मुख्यतः ये आम के बौर के आने के समय लगता है और आम की बौर को भी नष्ट
कर देता है। इस प्रकार से दो ऑप्शन हो गए, दो भाग मैंने आपको बताया, पौधों को कुतरने वाले कीट और पौधों का रस चूसने वाले कीट। अब अगला है पौधों में धंसकर उन्हें खोखला बनाने वाले कीट, यानी पौधों के तनों को काटने वाले कीट। तो अनेक प्रकार के कीटों में कैटरपिलर पेड़ पौधों के भागों में घुसकर उन्हें खोखला कर देते हैं और पौधे सूखकर नष्ट हो जाते हैं। इनमें से कपास की सुरही है, कपास की सुरही यानी कपास का कीड़ा होता है। इन पतंगों की जो लार्वा होती है वो कपास के फूलों, फलों एवं बीजों में घुसकर उन्हें खोखला बना देती है, इस प्रकार से पौधे सूख जाते हैं। इसी तरह से ईख की गिटार जो होती है, ईख की गिटार में यह भी एक पतंगा होता है, यह भी एक कीट होता है। इसकी लार्वा ईख एवं बाजरे के तने को भीतर से खोखला कर देती हैं। ईख यानी गन्ना जो होता है तो उसके भीतरी तने को खोखला कर देती है, जिससे वो कटकर गिर जाते हैं या खराब हो जाते हैं। मक्का बेधक है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, मक्का बेधक ये पतंगों की लार्वा मक्का एवं ज्वार आदि के तनों को खोखला कर देती है, यानी जो मक्का होता है, ज्वार होता है, इसके जो तने होते हैं इनके बीच में घुस जाती है और उसे खोखला कर देती है, काट देती है। चने की गिडार, तो ये पतंगा जो होता है, जो चने का गिडार होता है, ये पतंगे की लार्वा चने, अरहर, टमाटर, तंबाकू आदि के तनों को खोखला कर देता है, यानी पौधों में धस कर खोखला करने वाले हैं तो तनों में ही घुसकर उसे खोखला करेंगे, तने को काट देते हैं, खोखला कर देते हैं, जिससे पेड़ या पौधे नष्ट हो जाते हैं इस प्रकार से। फिर अगला है गेहूं की हेसियन मक्खी। गेहूं की हेसियन मक्खी यह भी एक प्रकार की छोटी मक्खी होती है। इसकी लार्वा गेहूँ के तने में घुस कर इससे अधिक खोखला बना देती है, जिससे पौधा खराब हो जाता है। फिर अगला भाग है पौधों में अंडा रोपण करने एवं घोंसला बनाने वाले कीट। तो कई प्रकार के जो कीट होते हैं वो पौधों के तनों आदि में दरारें बनाकर अंडा रोपण करते हैं, इससे पौधों को कोई महत्वपूर्ण हानि नहीं होती है। यानी अंडा रोपण तो कर देते हैं, अंडे को तो रख देते हैं, घोंसला तो बना लेते हैं, लेकिन पौधों को कोई महत्वपूर्ण हानि नहीं होती, अधिक हानि नहीं होती है, क्योंकि अंडों से निकलने के बाद शिशु कीट पौधे को छोड़ देता है। यानी जब अंडे निकल आते हैं तो शिशु जो कीट होते हैं वो पौधों को छोड़कर चले जाते हैं, फिर भी पौधे का जितना भाग अंडा रोपण के लिए तैयार किया जाता है वह बेकार हो जाता है। यानी जहाँ पर पौधे, जिस पौधे पर जिस भाग में अंडा रखते हैं ये कीट, वो भाग बेकार हो जाता है, खराब हो जाता है। कुछ कीट फसली पौधों की कोमल पत्तियों के टुकड़े तोड़कर इससे घोंसला बना लेते हैं, उन कोमल पत्तों को तोड़कर लाते हैं और उसी से घोंसला बनाते हैं। इससे पत्ती के काटने वाले चींटी, मक्खी आदि प्रमुख हैं। यानी ये जो चींटियाँ होती हैं, जो मक्खियाँ होती हैं, इनमें से ये प्रमुख पाई जाती हैं। फिर अगला भाग है पौधों की बीमारियों को फैलाने वाले कीट। यानी ऐसे कौन कौन से कीट हैं जो पौधों में बीमारियाँ फैलाते हैं, तो पौधों में वायरस, फफूंदी एवं जीवाणु द्वारा लगभग 200 संक्रामक रोग होते हैं। वायरस हो, फफूंदी हो, जीवाणु हो आदि के द्वारा 200 से अधिक संक्रामक रोग फैलते हैं, और इन्हें फैलाने का कार्य करता कौन है, कीट करता है। यानी कीटों के द्वारा वायरस पहुंचते हैं वहां तक, फफूंदी पहुंचती है वहां तक, जीवाणु पहुंचते हैं वहां तक। यानी इनका माध्यम क्या है, इन संक्रामक रोगों का माध्यम क्या है, जो वायरस, फफूंदी और जीवाणु होते हैं इनका माध्यम, इनको ले जाने वाला कौन है, कीट है। तो कीट यह कार्य करते हैं, कीट की वजह से ही पौधों को बीमार कर देते हैं। तो हानिकारक कीट के अंतर्गत कृषि के लिए हानिकारक कीट हो गए हैं। अब अगला है मनुष्य तथा पालतू पशुओं के लिए हानिकारक कीट। तो पहला कृषि के लिए हानिकारक कीट हो गया, दूसरा है मनुष्य तथा पालतू पशुओं के लिए हानिकारक कीट, यानी इंसेक्ट्स हार्मफुल ऑफ मैन एंड डोमेस्टिक एनिमल्स। इनके बारे में हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन भी, उसकी जानकारी भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।